देख रहे हो यार, ये वही वाला मोटर है जिसको हमने रिपेयर किया है इस वक्त। वो भाई साहब, हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज इंडोर वीडियो बनाने पड़ रही है, बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है इसलिए। तो यार देखो, पिछले रिसेंट वीडियोस में हम लोगों ने ड्रोन मोटर्स के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। अभी एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने वाटर पंप बनाया था, अभी पिछले ही वीडियो में ड्रोन मोटर से। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारे सारे ड्रोन मोटर एक एक करके खराब हो गया। पता नहीं किस तरह का ये प्रोडक्ट है, सारे के सारे खराब हो गए, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं सोचा कि चलिए इनको खोल कर देखते हैं। तो मैं इसको अकेले में क्यों खोल के देखूं, क्यों ना आप लोगों के साथ ही इसको खोल कर देखते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि अंदर से बनावट इसकी कैसे होती है। और देखते हैं इसको अगर हम रिपेयर कर पाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों की शिकायत होती है आजकल कि भाई आप सिर्फ छोटे छोटे प्रोजेक्ट लाते हो, बड़े प्रोजेक्ट कभी क्यों नहीं लाते? तो देखो आप लोग, मैं हमेशा से चैनल पे कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ तो मैं कबाड़े से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जिससे मेरे प्रोजेक्ट मेरा कोई भी सब्सक्राइबर बना सकता है। ऐसा कोई भी बंदा मेरे चैनल का मेंबर नहीं होगा जो मेरे प्रोजेक्ट ना बना पाए, ठीक है। तो मेरे प्रोजेक्ट कोई भी बना सकता है, इसीलिए मैं इतने चीप प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और आगे जाके हम बड़े प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जब मैं बोल देता हूँ तो मैं लाता भी हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है, अभी भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी तो न्यू प्रोजेक्ट देख पाओगे। तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हर दोस्तों, तो यार कमाने की चाह तो सभी लोग रखते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टैलेंट है, आपको नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का सही यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है IKL ट्रिविया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्विज मिलते हैं जिसमें आप अपने दिमाग का सही यूज करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपने जो क्विज है उसका सही जवाब दे देते हो तब यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। और ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड करो और इसको एक बार ट्राई जरूर करो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अंदर ही शूट करनी पड़ रही है, इंडोर ही सारी वीडियोस, क्योंकि यार थोड़ा सा आज के लिए झेल लो। फैन चल रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये देख सकते हो, यहाँ पे मोटर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्रोन मोटर, और एक एक करके पता नहीं क्या हुआ, सारे के सारे खराब हो गए। और अब हमें इसको ओपन करना है, तो ये विंग्स निकाल लेता हूँ, इनका कोई काम नहीं है, तो इनको निकाल लेता हूँ। देख सकते हो, एक विंग भी टूट गया था हमारा, तो ये भी बेकार हो गया, और एक विंग उसी दिन गुम हो गया था। और यहाँ पे अगर हमें इसे ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल मोटर में जैसे पिन दिए होते हैं ओपन करने के लिए, इन्हें सीधा करना होता है तो आराम से ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन पिन्स को आप जरा सामने आकर देखो, बहुत ज़्यादा ठोस है और एकदम बिल्कुल सुई की नोक से इसे सीधा करना पड़ेगा। और मैंने इनको ट्राई किया है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग ही टूल होगा शायद। तो अब हमें इसे डायरेक्टली प्लास से ही ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक को मैंने थोड़ा सा लूज़ किया था, तो ये मोटर फिलहाल, तो इसमें दोनों तार लगे हुए, देख सकते हो ये पूरा ख़राब हो चुका है क्योंकि इसकी एक तार भी टूट गई है। तो चलिए अभी इसको ओपन करके देखते हैं, डायरेक्टली प्लास से हो जाता है, लेकिन जो इसका फ्रेम है वो थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान से ज़रा सा ओपन करना, मैं बस आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा इस तरह से किया हुआ था इसलिए आराम से ओपन हो गया। और अब देखो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इसके ब्रश देख लो सामने आकर, इसके ब्रश इतने ज़्यादा पतले हैं कि पता नहीं हम रिपेयर कर भी पाएंगे कि नहीं। पहले इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ क्या निकल रही है, देख सकते हो भाई यार, कितना पावरफुल इंजन टाइप का इसमें दिया हुआ है। और इसकी वायरिंग देख लो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही किस तरह से की हुई है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 5 यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, नॉर्मल मोटर में 3 होते हैं, यहाँ पे 5 वायर वाइंडिंग की गई है इसकी इस तरीके से कि 5 टर्मिनल्स इसके निकले हुए हैं, देख सकते हो ध्यान से। और अब देखो अंदर से ये खाली है, ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या सिस्टम है। और अंदर लगे हुए हैं न्यूडेनियम मैग्नेट्स, उनको तो नहीं फिलहाल निकाल पाया मैं, लेकिन अंदर देख सकते हो ये मैग्नेट इसके डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, यहाँ से डालने पर डायरेक्टली देख सकते हो बहुत पावरफुल मैग्नेट अंदर लगा हुआ है और वही इसको घूमने में मदद करता है। जैसे हम यहाँ पे टच करते हैं वायर दो, तो यहाँ पे ही घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है इसको ओपन कैसे करें, ठीक है। तो इसको अब हम रिपेयर कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके पिन्स जो हैं, इसके ब्रशेस जो हैं, वो आपस में उलझ गए हैं, पता नहीं ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं, पर ट्राई करेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तार हटाने पड़ेगी क्योंकि ये तार मुझे नहीं विश्वास है, ये तार बहुत चीप क्वालिटी का है। तो इसको हटाकर पहले तार चेंज करते हैं और बाकी का ये सब तो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, जो प्रॉब्लम है इसके इस तार में ही आई है, क्योंकि ये वाइंडिंग तो भाई बहुत मजबूत लग रही है और कहीं से जला वाला भी नहीं है। तो इसको हम बंद कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो गाइज यहाँ पे जो इसके पहले तो ब्रशेज़ हैं वो बिल्कुल उलझे से हैं और बहुत ज़्यादा बारीक और पतले हैं, ठीक है। ये अगर टूट गए तो इसका खुद बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब कि एकदम एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा है खुद बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस सुई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टूट गया ना भाई साहब मतलब काम ख़त्म हो जाएगा इसका। तो चलो ये ब्रशेज तो ठीक हो गए, कुछ कुछ ठीक लग रहे हैं, और बस ये अंदर चला जाए। बस यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो होल्स कर लिए यहाँ पे वायर्स के लिए, और अब मैं यहाँ से वायर्स को पास करा देता हूँ और यहाँ पे शोल्डर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से बाहर से तार जोड़ दिया है, दो होल्स करके दोनों ही तार मैंने चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे मैंने शोल्डर कर दिया, और इसकी बची हुई जो टिप है उसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारा आपस में मतलब कनेक्ट होके ख़राब ना हो जाए। तो ये मैंने इसको काट दिया, और यहाँ पे मैंने पिंस को भी सीधा करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक, पर अभी भी मुझे नहीं लगता सही से हुआ है। देखते हैं अगर ये इतना तक तो हमने कर ही लिया है, और आगे देखते हैं, पूरी कोशिश की है इसको सही करने की, और बहुत ही ज़्यादा बारीक और इरिटेटिंग सा काम आपको लगेगा अगर आप करोगे तो। अब देखते हैं ये इसको अंदर, देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पर मैं इसको डाल रहा हूँ अब अंदर, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यार एक चीज़ अड़ रही है, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। और अब है सबसे मतलब देखने का कि जो हमने मेहनत की है वो काम आई है या नहीं आई है, और अब इसे चलाकर देखते हैं। तो गाइस चलो इसको टेस्ट करते हैं, और जितनी मेहनत हमने की है देखते हैं किस तरह से। और मैंने इसको कोई भी पर्सनल टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर कोई धमाका वगैरह हुआ तो वो आपके सामने ही होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओ गाइस चल रहा है, देख सकते हो। ओ भाई साहब देख रहे हो यार, ये वही वाला मोटर है जिसको हमने रिपेयर किया है इस वक्त। काफ़ी मज़ेदार बात है, और थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको बैकग्राउंड में आज यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, रिंग लगाकर ही दिखा देता हूँ। और ये अभी ढंग से बंद भी नहीं हुआ है गाइस, इसको मैं एक काम करता हूँ, फैब्रिक से चिपकाऊँ या ना चिपकाऊँ, एक मिनट पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे रिंग लगा दिया है, और वो भाई साहब बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं गाइस, पहले जैसे ही सब कुछ वर्क करा, देख सकते हो हमने यहाँ पे तार लगाई है, और इतनी देर की मेहनत यार कुछ काम आई है, ये मुझे देख के अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी से क्या हुआ, ओ गाइस थोड़ी सी तार में प्रॉब्लम हुई, देख सकते हो। आखिरकार इतनी देर की मेहनत हमारी सफल हो गई, और काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद आपको भी मज़ा आया होगा, काफ़ी बारीक सा काम था ये। आखिरकार हमने यार इस मोटर को रिपेयर किया, और बहुत ही इरिटेटिंग काम है, छोटा सा छोटा छोटा चीज़ें आपको करना पड़ेगा, और आखिरकार इसको रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से आप रिपेयर घर पे कर सकते हो। तो मेरे वीडियो में मज़ा आया होगा, मेहनत के एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।